हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। शाम के बज चुके हैं 5, चाय मैंने पी ली है क्योंकि चाय पिए बगैर तो काम भी नहीं चलता आजकल। काफ़ी सर्दी है इस वजह से। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी मैं बना रही हूँ कच्ची हल्दी की। तो हल्दी मैं छील रही हूँ। छीलना थोड़ा मुश्किल होता है, आलस भी आता है क्योंकि इससे हाथ पीले हो जाते हैं, लेकिन सर्दी में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है तो खानी चाहिए हल्दी। और काफ़ी मिल रही है इन दिनों बाज़ार में। तो हल्दी मैंने छील ली है और अब मैं छील रही हूँ अरे प्याज। यहाँ पे हल्दी पीस ली है, कुंडी में कुटी है मैंने हल्दी, नमक और हल्दी और लहसुन मिला के यहाँ पे रख लिया है। तड़का तड़का काफ़ी ज़्यादा डाला है क्योंकि हल्दी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है तो तड़का चाहिए होता है अच्छे से। हल्दी भून चुकी है और अब मैं डाल रही हूँ हरे प्याज। प्याज आप सूखे वाले भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास हरे वाले रखे थे तो मैंने हरे प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं। बस हल्दी को अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है, सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। और कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर आप डाल सकते हो। जैसे मैं डालने वाली हूँ आलू और गोभी और मेथी भी मैंने काट रखी है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मेथी। मेथी को अच्छे से मैं पकाऊंगी एक बार और फिर मैं डाल दूंगी इसके अंदर आलू और गोभी। तो आपको लग रहा होगा सब्ज़ी गोभी की बनाई है, लेकिन गोभी की नहीं है, ये स्पेशल हल्दी की है। लेकिन हल्दी में कुछ ना कुछ डालना ज़रूरी होता है, सब्ज़ी बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये हल्दी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये सर्दियों में ही खाई जाती है। बस तड़का अच्छा डलता है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं जैसे सुबह चाय पी के वापस लेट चुकी हूँ और आलस कर रही हूँ उठने का। अतुल के पापा बोल रहे हैं कि आलसी हो गई है तुम गंगानगर आके, क्योंकि यहाँ पे मेरे काम का मैं ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, स्वेटर पहन रही हूँ, सॉक्स पहन रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ काम पर लगने की। तो कुछ बातें ही चल रही है जैसे। और दोपहर का टाइम है, खाना भी खा चुकी हूँ, पूरा काम हो चुका है, नहा भी मैं चुकी हूँ। अब मैं तैयारी कर रही हूँ कि थोड़ी देर में धूप में ज़रूर जाऊँगी क्योंकि 2 दिन से ही धूप निकली। आज तो बादल भी है हल्के फुलके, लेकिन धूप आ रही है कभी कभार। तो मेरा मन है कि मैं थोड़ी देर धूप में जाके ज़रूर बैठूँ। तरस गए हैं मुझे लगता है धूप के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। दोपहर हो चुकी है, 1 बज चुका है, खाना खा लिया है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। धूप में जाके बैठूंगी, थोड़ी धूप निकली है इसलिए मैंने आप बाजू की स्वेटर पहनी है। हालांकि एक और पहननी पड़ेगी इसके ऊपर, वैसे दो दो स्वेटर पहनती हूँ आजकल मैं। और हल्की फुल्की धूप निकली है, कल भी निकली थी और आज भी निकली है, तो थोड़ी देर बाहर जाके बैठूंगी धूप में। और आज है अतुल का जन्मदिन, जो मेरे लिए मुझे ऐसे लगता है बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि एक माँ के लिए इससे बड़ा दिन मुझे लगता है हो ही नहीं सकता जब उसके बच्चे का बर्थडे हो। और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो खुशी होती है वो बांटने से दुगनी होती है। तो आप बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा बच्चे को और बर्थडे विश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दिन है जिसको स्पेशल फील करना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे को भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अब की बार अतुल मेरे पास नहीं है, वो जयपुर है और मैं हूँ गंगानगर। वैसे अतुल का बर्थडे आता है 26 दिसंबर को, जब छुट्टियाँ होती है बड़े दिनों की, तो वो मेरे पास होता ही है। जब हॉस्टल में था तो भी घर आ जाता था, कॉलेज में था तो भी छुट्टियाँ मतलब हो ही जाती थी। और कुछ बर्थडे उसके ऐसे हैं जिसपे वो मेरे पास नहीं था, जैसे वो बाहर गया था अपने स्टडी के लिए उस टाइम, या अभी जैसे हम यहाँ आए हैं वो जयपुर है। तो मैं काफ़ी मिस करती हूँ वैसे बच्चों को, और जैसे बर्थडे है तो मैं कर ही रही हूँ। लेकिन पिंकुश है उसके साथ, तो अच्छे से बर्थडे मनाया है उसका। रात को 12 बजे केक कटवाया था और हमने वीडियो कॉल भी कर ली थी। तो सबसे अच्छी सुविधा तो ये है कि वीडियो कॉल से बात हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल पास में ही है। और खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा आप अतुल को और बर्थडे विश जरूर कीजिएगा। और एक दो कमेंट आए हुए थे, जैसे एक तो कांता जो विडासर है, उन्होंने कमेंट कर रखा है कि आप कहाँ के हो, कास्ट क्या है, मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है। तो मैं गंगानगर की हूँ, जयपुर रहती हूँ और जाट हैं हम चौधरी। और पिंकुश का मायका विजयनगर है, वो अभी जयपुर है, दोनों बच्चे और हम हैं यहाँ पे। और एक कमेंट ये भी था, ये क्या काफी थे, जैसे मैंने बेडशीट की वीडियो शेयर की थी, हाँ गर्म वाली बेडशीट लेके आई थी, तो उसका मतलब शॉप का एड्रेस पूछ रहे थे, तो प्रॉपर एड्रेस तो मैं नहीं लेके आई, तो वैसे बता देती हूँ, गोल बाजार में है, मोड़ वाली सूटों की दुकान है जो शॉप है उसके पास, बिल्कुल गली निकलती है उसी के अंदर है, पतली गली के अंदर।
तो आप जाके देखोगे तो मिल जाएगी। और प्रॉपर अगर एड्रेस आपको चाहिए तो अगली बार मैं जाऊंगी तब ला के दूंगी, लेकिन आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि इतने में सर्दी निकल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट तो आज जरूरी कीजिएगा क्योंकि स्पेशल डे है आज मेरे लिए। और सब्सक्राइब तो जरूर किया करें क्योंकि सब्सक्राइब कम करते हो आप शायद, आप लोग जितने लोग देखते हो उन्होंने नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते करो मम्मी को। हे मॉम, व्हाट्स अप? डू यू फील मी मॉम? हाय मम्मी, कैसे हो आप? ये मैंने अपनी ड्रेस पहनी है और ये हम दोनों, वही मैंने चश्मा लगाया मामी जी के स्टाइल में। हम जा रहे हैं मूवी देखने।